नमस्कार दोस्तों, मैं गीता भट्ट। मेरे चैनल मिनी स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ नर्सरी क्लास का सिलेबस, जिसमें मैंने बनाया है इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। इसमें मैंने 11 टॉपिक लिए हैं। इसमें है प्री राइटिंग स्किल्स, लर्न एंड राइट कैपिटल लेटर्स, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिंग, लुक एंड राइट अल्फ़ाबेट ए टू जेड, सी द पिक्चर एंड राइट करेक्ट अल्फ़ाबेट, मैच द अल्फ़ाबेट्स, फिल द मिसिंग लेटर्स, सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट, डिक्टेशन, कन्वर्सेशन क्वेश्चन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्री राइटिंग स्किल्स, जिसमें हम अल्फ़ाबेट से कराने से पहले ट्रेस करना सिखाते हैं। जिसमें मैंने इस तरीके से सबसे पहले लिया है स्टैंडिंग लाइन्स, जिसको हम इस तरीके से बच्चों को कराना सिखाएंगे इस तरीके से। और ऐसे ही फिर दूसरे नंबर पे है स्लीपिंग लाइन, जिसको हम बच्चों का हाथ पकड़ के इस तरीके से फिल करना सिखाएंगे। फिर है स्लांटिंग लाइन, मैंने इसमें लेफ़्ट टू राइट बनाया है, आप लोग राइट टू लेफ्ट भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से है कर्व, जिसको हम इस तरीके से आराम से फिल करना सिखाएंगे ताकि बच्चों को आदत बन जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्न एंड राइट कैपिटल लेटर्स, जिसमें हम बच्चों को अल्फ़ाबेट दिखाकर आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू R S T U V W X Y Z। आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, जिसमें आप इस तरीके से करा सकते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरीके से बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेसिंग, जिसमें हम बच्चों को ट्रेसिंग की हेल्प से अल्फ़ाबेट लिखाना सिखाते हैं। जिसमें मैंने 4 अल्फ़ाबेट लिए हैं, A B C D, और इस तरीके से हम बच्चों को इसको फिल करना सिखाएंगे। A, इसी तरीके से हम सारे जितने मैंने बनाए हुए हैं इस तरीके से करा सकते हैं। और आप लोग इसको एक पेज में दे सकते हैं अच्छे ढंग से, ताकि बच्चे को ठीक से प्रैक्टिस हो जाए। और इसी तरीके से हम सी कराएंगे, और आप एक पेज ऐसा ही होमवर्क में दे सकते हैं। जितनी बार हो सके आप उतनी बार प्रैक्टिस करा सकते हैं, ताकि बच्चे को ठीक से प्रैक्टिस हो जाए और बच्चा ठीक से अल्फ़ाबेट लिखना सीख जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुक एंड राइट अल्फ़ाबेट ए टू जेड। इसमें हम सबसे पहले मैंने ए फॉर एप्पल दिया हुआ है, जिसमें मैंने ये पिक्चर भी बनाया हुआ है, ताकि बच्चा इसको समझ सके और पहचान सके। और फिर इस तरीके से हम बच्चे का हाथ पकड़कर लिखना सिखाएंगे, और बच्चा धीरे धीरे इसी तरीके से पूरा पेज फिल करेगा। इसी तरीके से मैंने बी फॉर बॉल दिया हुआ है, और इसी तरीके से हम बी फॉर बॉल कराएंगे। और फिर सी फॉर कप, डी फॉर डोर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट अल्फ़ाबेट। तो इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, जिनको बच्चा रिकॉग्नाइज करके पहला लेटर लिखेगा। जैसे कि पहले मैंने बनाया है ए फॉर एक्स, तो बच्चा यहाँ पर ए लिखेगा। इसी तरीके से मैंने बुक बनाई हुई है, जिसमें बच्चा वी फॉर बुक लिखेगा। और फिर मैंने बनाई हुई है कैप, जहाँ पर बच्चा सी लिखेगा। और इसी तरीके से ड्रम बनाया हुआ है, इसके सामने लिखेगा डी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैच द अल्फ़ाबेट, जिसमें बच्चा देखकर इस तरीके से लेटर्स को मैच करेगा। इस तरीके से बी फॉर बॉल, और इसी तरीके से सी फॉर कैट, और डी फॉर डॉग। और फिर है हमारा फिल द मिसिंग लेटर्स। हमने कुछ लेटर्स दिए हैं और कुछ छोड़े हैं, तो बच्चा इस तरीके से देखकर, हमने लिखा है ए फॉर एप्पल, तो यहाँ पर बी फॉर बॉल लिखेगा। इसी तरीके से C फॉर कैट और D फॉर डॉग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट। इस तरीके से मैंने दिए हुए अल्फ़ाबेट्स, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। बच्चा इनको रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ इस तरीके से सर्कल करेगा। जैसे कि यहाँ पर A था तो A में, ये C है तो C में, और इसी तरीके से D में। अभी तक हमने 4 लेटर कराए हैं, ए बी सी डी। इस तरीके से हम बीच बीच में बच्चों को एक पेज रोज़ ए बी सी डी इस तरीके से कराएंगे, और नीचे डॉट दे देंगे, बच्चा उनको खुद लिखेगा। और ऐसा ही एक पेज हम होमवर्क में देंगे। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो जल्दी से लिखने लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो हम उनको बीच बीच में देखेंगे कि कौन बच्चा कर पा रहा है कौन नहीं, इसलिए हम उनको दोबारा कराएंगे, ताकि एक बच्चे में उनका लिखने की क्षमता बढ़े। और इसके लिए हमने एक
वर्कशीट ली है जिसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि बच्चा इसको दोबारा से फिर से फिल करे। ये मैंने चार चीज़ें बनाई हैं, ए फॉर एप्पल, वी फॉर वॉल और इसी तरीके से सी फॉर कप और डी फॉर डक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्टेशन, जिसमें हम लेटर्स बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। हम ये देखते हैं कि बच्चे को कितनी समझ हो चुकी है। और उसके बाद है हमारा माई सेल्फ, जिसमें हम बच्चों को इंट्रोडक्शन देना सिखाते हैं। इसमें मैंने छः टॉपिक लिए हैं, जैसे कि माई नेम इज, जो बच्चे का नाम होगा वो हम उन्हें सिखाएंगे, और फिर आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, आई लिव इन, माई स्कूल नेम इज, इस तरीके से। लास्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्सेशन क्वेश्चंस, जिसमें मैंने लिए हैं 5 क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज, बच्चा अपना नाम बताएगा, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 5 इयर्स ओल्ड, एंड सेकंड था मेरा हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, इसी तरीके से तीसरा है हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश इयर्स ओल्ड, इन विच सिटी डू यू लिव, आई लिव इन, जिस भी सिटी में बच्चा रहेगा वो हम सिखाएंगे, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन नर्सरी क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।